हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, सूरज की रोशनी को धरती पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में ये जो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, ये सूरज से हजार से लाख गुना ज़्यादा बड़े और उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। तो इन तारों की रोशनी को धरती पर आने में कितना समय लगता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। धरती के सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसकी रोशनी को धरती पर आने में 4 से 5 साल का समय लगता है। और जो रात के अंधेरे में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, इनमें से कुछ तारे ऐसे हैं जिनकी रोशनी को धरती पर आने में 1000 से 1500 साल का समय लगता है, और कुछ को तो इससे भी ज़्यादा समय लगता है। यानी जिन तारों को आप देख रहे होते हैं, वो तारे की 1000 से 1500 साल पुरानी इमेज होती है। और आज के डेट में ये चीज़ हो सकती है कि वो तारा वहाँ पे मौजूद ही ना हो। यही है यूनिवर्स का डार्क मैजिक और ख़तरनाक मिरिकल थिंग्स। ये चीज़ तब है जब लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है। चलिए लास्ट में एक Q&A हो जाए। सवाल है, पत्नी का नाम मिसेज 90, बेटी का नाम 80 और बेटे का नाम 70, तो पापा का नाम क्या? इस सवाल का जवाब कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।